आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ एक लाइव प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक यूएई से हमारे स्टूडेंट है पुराने, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनकी प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन दिया जाए। तो प्रॉब्लम क्या है समझिए, उनके पास 3 सीट्स हैं। मेरे पहली पास मंथ सिचुएशन वाइज, है अभी। पहली जो है मंथ वाइज है, और दूसरी जो है हमारा मास्टर है। मतलब क्या होता है कि ये इनका मास्टर डेटा होता है, राइट। तो इस मास्टर डेटा में, ये जो मास्टर डेटा है, इन मास्टर डेटा में सब कुछ होता है ऑलरेडी, राइट सर। लेकिन मंथ में कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें सर्च करें तो एक कोड हमें एग्जिस्ट मिल जाएगा, मिल गया एग्जिस्ट। लेकिन कुछ कोड जो है, जैसे मान लीजिए कि ये 117 का कोड है, ये कोड इसमें नहीं होगा। तो इसमें दो काम नहीं है, दो काम करना है कि जो मंथ है अप्रैल महीना जो है, इस मंथ के अंदर जो मंथ है, इस मंथ के अंदर अगर जो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो कोड मास्टर डेटा में अवेलेबल नहीं है, उसकी यहाँ पे शो होना चाहिए डिटेल्स, राइट सर। फिर डिटेल्स होने के बाद वो मैपिंग जो होता है लेवल 1 लेवल 2 के डेटा को फिल करते हैं। फिल करने के बाद जो क्लिक करे तो पूरा डेटा मास्टर शीट में अपडेट हो जाना चाहिए। क्लियर है, करना क्या है सो? हेलो, ठीक है। समझ में आ गया ना करना क्या है सर? चलिए, इसके लिए मैक्रो बनाते हैं हम। चलिए पहले हम मैक्रो बनाते हैं, फिर उसको हम बटन पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें अभी क्या है, क्या हर महीने से अलग अलग शीट्स होते हैं। हर महीने उनका शीट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें हम एक कर सकते हैं कि पहले नंबर पे वो शीट होनी चाहिए, पहले नंबर पे शीट होनी चाहिए, और तो उस शीट में जाके हर एक बार डेटा को मैच करना है। मतलब इस डेटा को मुझे इसके अंदर काउंट करना है, लुकअप करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक यहाँ टोटल आ रहा है ना सर। तो हम एक काम करते हैं कि हम A7 से स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे तक आते हैं। एक सेकंड, तो यहां पे हम अब यहां पे देखिए क्या है कि मुझे एक एक इसका क्या बोलते हैं, एक फिगर यहाँ पे इसको मैच करवाना पड़ेगा। तो इसमें हम फोर ईच लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिम आर एज ए रेंज। यहाँ पे हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं, और आर के जगह पे एक और लेता हूं, डिम ए एज ए रेंज ऑल्सो, और सेट ए इक्वल टू हमने दिया कि यहाँ पे रेंज A7 से डॉट एंड A7 से स्टार्ट है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रेंज A7 डॉट एंड एक्सलेस डाउन डॉट, और यहाँ पे हम दे देते हैं सीट, पहली सीट शीट्स शीट्स 1, क्योंकि एक ही सीट है, पहली सीट होगा। ये हम फाउंडेशन दे देंगे कि आपका जो जिस सीट से डेटा कॉपी करना है वो पहले सीट पे होना चाहिए, क्योंकि हर बार नाम अलग अलग होगा इसलिए।
तो हमने क्या किया, रेंज डिफाइन किया और इस रेंज पे हमने लोड कर दिया कि हमें क्या करना है, कहां पर है। तो सीट वन के A7 से A7 के एंड तक हमें जाना है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब A7 से एंड आता है तो टोटल आ जाता है, तो मुझे टोटल से एक ऊपर तक ही रखना है क्योंकि टोटल तो फिर टोटल आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एंड एक्सलेस एंड डॉट ऑफसेट लगा देता हूँ, ऑफसेट, और यहाँ पे -1,0 क्योंकि -1 करने से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा कि फोर इच आर इन ए, मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें कोई स्टार्ट और एंड नहीं दिया हुआ है। हमने बोला हुआ है कि जो ए है, मतलब कि जो हमारा सीट वन का जो डेटा है, इस डेटा के एक एक सेल के अंदर जाए, एक एक सेल के अंदर जाए। और फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं डिम सी एज ए इंटीजर या लॉन्ग, इंटीजर कर देते हैं सही रहेगा। और यहाँ पे हम कहते हैं सी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटिफ, क्योंकि मैच करने के लिए मैं काउंटिफ लगा रहे हैं। लेकिन जनरली हम लोग मैच करने के लिए मैच या वीलुकअप लगाते हैं ना सर, तो मैच और वीलुकअप क्या होता है, एरर देता है। और यहाँ पे फिर एरर देगा तो एरर हैंडलिंग देना पड़ेगा। तो काउंटिफ क्या है कि अगर मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट जीरो देगा। तो हमें मैच कहाँ करना है, हमें मैच करना है इस सीट में टीवी मास्टर मैपिंग के ए कॉलम, पूरे ए कॉलम में। सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं, सीट देना होगा ना, सीट्स, और हमने ए सिलेक्ट कर लिया, डॉट रेंज ए बाय ए। तो ये किसके लिए लिखा है, फॉर ईच आर इन ए, ये क्या है, क्या बोल रहे हैं आप सर, ये इसके ऊपर नहीं लिखा फॉर ईच आर इन ए सर? हमने लूप लगाया ना सर, फोर लीच लूप लगाया। इसमें क्या है कि इसमें इसमें हमने ए दिया हुआ है कि हमारा एरिया, देखिए ए क्या है, ए हमारा एक रेंज है, और रेंज कौन सा है, तो हमने रेंज दिया हुआ है कि सीट वन में, पहले सीट में जो हमारा पूरा डेटा है ना, ए कॉलम में जो डेटा, जितना जो डेटा है उतना डेटा है। तो हमने फोर ईच लगाया इसलिए क्योंकि ए जो हमारा जो ए है, मतलब कि हमारा जो रेंज है जिसपे लूप चलने वाला है, उसके हर एक सेल में जाए। इसको स्टार्ट एंड हमने नहीं दिया, हमने दिया हुआ कि एक एक सेल में, चाहे 10 सेल हो या 500 सेल हो। ठीक है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है फोर ईच। और हमने यहाँ पे काउंटिफ लगाया कि काउंटिफ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन काउंटिफ, किसमें काउंटिव करना है, तो सीट मैपिंग सीट में, जो हमारा मास्टर मैपिंग सीट है उस पे जाना है। और क्या सर्च करना है, तो आर डॉट वैल्यू करना है, क्योंकि आर जो क्या होगा, एक एक सेल होगा इसमें, जो ले लिया ना आपका, तो पहला बार आर क्या होगा, ए आपका ए सेवन होगा, दूसरा बार ए एट होगा, तीसरा बार ए नाइन होगा। तो वन बाय वन हर एक सेल को काउंट करेगा कहाँ पे, मैपिंग सीट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे करते हैं कि इफ C इक्वल टू जीरो, देन अगर C इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा कि न्यू कोड सीट में ये वन बाय वन सबको फिल करेगा। ठीक है, तो यहां पे देते हैं हाँ रेंज ये पहले से इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब इसमें वन बाय वन हमें डालना है, तो ये जो रिमाइंडर यहां पे लगा हुआ है ना, इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। सर ये तो एक तरह से वीलुकअप ही हो गया। हाँ, लेकिन वी लुकअप में हुआ कि आपको पहले नंबर होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो मैच करना है, फिल्टर उल्टर लगा के अलग करना है, वो काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे देख लेता हूँ ना कुछ, हाँ यहाँ पे देता हूँ ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 1,0
डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, आर डॉट वैल्यू, और ये सीट क्या हो जाएगा हमारा, सीट्स न्यू कोड, न्यू कोड, ठीक है सर। तो हमें पूरा डालना है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहां ऑफसेट में ए हमारा जीरो हो जाएगा, ए हमारा वन होगा और आर डॉट वैल्यू होगा, फिर होगा यहाँ पे आर डॉट ऑफसेट, क्योंकि अगली कॉलम चाहिए ना यहाँ पे, कॉमा वन डॉट वैल्यू। तो ये फाइनेंशियल मोड डाल देगा, फीस में हमारा क्या हो जाएगा ए टू, और यहां पे हो जाएगा हमारा ऑल्सो टू, ये हमारा हो जाएगा थ्री, ये हमारा ऑल्सो थ्री, चार, कितने रेंज है हमारा इसमें, इसमें देखता हूँ ना, चार, चार ही है सर, पांच नहीं है, चार ही है, चार है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा डल गया। और फिर यहाँ पे कर देते हैं एंड इफ, उसके बाद सी इक्वल टू जीरो और नेक्स्ट आते है। तो अब ये रन करने से क्या होगा कि जितना न्यू न्यू कोड है इसके अंदर में वो इसके अंदर यहाँ डाल देगा। एक बार रन करता हूं, एक ही, ओके, ये पहले ही प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी यहाँ अप्रैल सीट नहीं, तो सीट वन में ए सेवन से ए सेवन नेम डॉट अन एक्सेल डाउन डॉट ऑफसेट, फिर एरर क्यों दे रहा है, ए एज रेंज, न्यू कोड डल गया, ठीक है सर। एक मिनट मैं दोबारा इसको करता हूँ, अप्रैल सीट में जाना होगा क्या, ये सीट वन तो दे रखा मैंने, एक मिनट मैं न्यू कोड सीट में ही रहता हूँ और फीस को रन करता हूँ, एप्लीकेशन डॉट एरर, ओ हाँ, ए हर जगह पे सीट आई वो लगेगा ना, यहाँ पे जब हमने सीट आई दिया है यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था। ये डेटा हमारे पास सारे आ गया, जो डेटा हमारे इसमें मैच नहीं कर रहा है, एक बार मैं फाइंड करके देख लेता हूँ कि ये सही है या गड़बड़, नहीं नहीं है डेटा इसमें, ठीक है। तो इसको रन करना है एक कोड से, और दूसरी चीज है कि ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, इस पे फॉर्मेटिंग होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ यहाँ पे आता हूँ, इसमें वीवीए की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ क्या सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और मैंने इसको सेलेक्ट करके बोला कि ग्रेटर देन जीरो है तो इस पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, फॉर्मेट में कौन सा, बॉर्डर, और ए सिक्स चेंज करता हूँ, ए रहने देता हूँ एंड ओके, और फॉर्मेट पेंटर से हम अपना पूरा एरिया फॉर्मेट कर देता हूँ, एक नीचे तक ये तक जैसे पांच सात रो तक कर देता हूँ मैं, और ये पहले से कलर इसमें लगा हुआ है वो इसलिए ऐसा हो गया, नो नो फिल, और फिर हमने यहाँ पे बॉर्डर में
नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो जितना हम डालेंगे उतना ही कलर होगा। तो इसके लिए हमें एक बटन चाहिए, तो हम डेवलपर में जाते हैं और यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं गेट आईडी। और यहाँ पे देते हैं राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट गेट न्यू कोड। ठीक है, अब गेट न्यू कोड पे क्लिक करेगा तो जो डेटा यहां पे होगा वो डेटा यहां पे, इसमें से नहीं होगा वो यहां पे दिख जाएगा। तो कैसे हुआ, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सर ये काउंट इफ जो आपने लगाया है फंक्शन, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों लगाया है इसमें। सर कैसे पता कैसे चलेगा कि, देखिए हमने क्या किया हुआ, सिंपल बताता हूँ हमने क्या किया कि हमने सिंपल सा काउंट इफ का फॉर्म, अगर मुझे इसको एक्सेल पे करना होता तो एक्सेल में करता काउंट इफ मास्टर में क्या, इसको सेलेक्ट किया कॉमा और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता। ठीक है, और फिर मैं फिल्टर लगाता और जहां जीरो है जिसमें कुछ नहीं है, जीरो है उसको कॉपी करके न्यू कोड में रख देता। बनवाया? तो सेम चीज हमने किया हुआ है इसमें बीवीए में, हमने एक एक, क्योंकि हमें एक काउंटिंग का फॉर्मूला हर एक सेल पे लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे फोर ईच का लूप ले लिया, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया और चेक किया कि काउंट इफ का रिजल्ट जीरो तो नहीं है। अगर काउंट इफ का रिजल्ट जीरो है तो फिर डेटा को उठा के वन बाय वन, हर कॉलम से चार कॉलम है, चार कॉलम का डेटा उठा के वन बाय वन न्यू कोड में नीचे नीचे रख दीजिए। ठीक, इसी प्रोसीजर को तब तक रिपीट करते, वापस मैंने सी को जीरो दे दिया इसलिए कि मान लीजिए कभी काउंट इफ नहीं चला तो डेटा कोई गलत डेटा ना जाए। ठीक है, वन बाय वन डेटा को डाल देगा, समझ गए? अब दूसरा क्या है, अब दूसरा ये है कि दूसरा ये बताना है कि अब जैसे कि इसमें वो क्या है ना कि लेवल वगैरह अपना जो डालना वो डालेंगे, डालने के बाद एक बटन पर क्लिक करे तो ये पूरा का पूरा डेटा उठ के कॉपी करके और यहाँ टीबी मास्टर में सबसे नीचे चला जाना चाहिए इस तरह से। ओके, समझ गए? तो कैसे होगा, चलिए ये हमारा ए तो पता फिक्स है कि जी तक है हमारा और ए रो फिक्स नहीं है हमारा, तो एक और हम यहाँ पे करते हैं अपडेट डेटा के नाम से सब अब यहां पे हम करते हैं dim r as a long और r equal to range a 65,000 dot and slash up dot row। ठीक है, और फिर यहां करते हैं रेंज, हमें पता है कहां से स्टार्ट है, A6 से स्टार्ट है, A6 से चले जी और जी के साथ हमने आर को इंक्लूड किया डॉट कॉपी, राइट सर? फिर हम यहां पे जाते हैं रेंज, यहां पे रेंज A65,000 डॉट एंड डॉट एक्सलेस अप, 65,000 की जगह ज्यादा भी हो सकता है तो आप यहां चेंज कर देंगे डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट
पेस्ट स्पेशल और हमने पेस्ट वैल्यू कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें करना किसमें है, ये हमें मास्टर टीवी डेटा में करना है। किसमें करना है, ये देखिए मास्टर टीवी डेटा में, इसमें करना है। इसका आया कर दिया हमने, एंड यहां पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, ताकि हट जाएगा। ठीक है, अब ये बटन इस पे होगा, एक अलग बटन पे होगा, तो मैं एक अलग यहां पे अब यहां पे हम ये दे देते हैं और इसमें दे देते हैं हम अब डेट मास्टर। ठीक है, एक बार मैं इसको अपडेट करता हूं। अपडेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है सर, परफेक्टली वर्क कर रहा है जी। तो इसमें पहली मैक्रो, हम पहले बटन जो बनाया बताया कि इसमें से जो डेटा हमारे मास्टर मैपिंग में नहीं है उसको निकाल के एक एक कर दे। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें पहले से भी कुछ डेटा हो सकता है, तो पहले मुझे इस डेटा को क्लियर करना है सर यहां से। ठीक है ना, तो ये गेट न्यू कोड है, इसी में स्टार्टिंग में लिख देंगे कोड, लेकिन हो सकता है कि वो क्लियर करना ना चाहे, तो मैं इसके लिए एक अलग बटन बना देते हैं क्या। ओके, हो सकता है मान लीजिए उनके पास 2-3 सीट्स है, बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ओ सॉरी, ऊपर ये भी तो लेना पड़ेगा। इसमें क्लियर कंटेन हो जाएगा, क्लियर कंटेंट्स, और इसके लिए हम एक बटन बना देते हैं। इसमें मान लीजिए कि 2-3 महीने का भी है, तो पोजीशन पहले पोजीशन पे सीट रखेंगे और हो जाएगा। तो इसमें बाउंडेशन क्या है, इसमें बाउंडेशन है हमारा कि हमारा जो जिस सीट से जिस सीट में डेटा लुकअप करना है वो पहले नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो पहले नंबर पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर पहले नंबर पे नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सीट नंबर 1 दिया हुआ है, यहां पे 1। तो अगर आपका डेटा कहीं भी हो सकता है तो यहाँ पे वो नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, जहां जहां सीट 1 है वहां वहां नाम आपको डालना पड़ेगा। पहले चीज, पहला प्रॉब्लम है कि आपका पहले नंबर पर होना चाहिए। मैपिंग डेटा न्यू कोड कहीं भी उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जिस सीट से आपका डेटा चेक करना है, यहाँ पे डेटा चाहिए, वो पहले सीट पे होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ लास्ट में टोटल ऐड है, यहाँ पे देखिए लास्ट में टोटल ऐड है। अगर आपके पास ये टोटल आपके डेटा में टोटल नहीं है, या फिर मान लीजिए कि ये ब्लैंक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ही करना होगा यहाँ जो मैंने यहाँ -1 किए हैं, यहाँ पे माइनस ये ऑफसेट पूरा हटा देना होगा। राइट सर, देखिए इसमें टोटल था इसलिए हमने इसको ऐसा किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि मास्टर डेटा में किसी भी तरह का टैक्स लास्ट में नहीं होना चाहिए, टोटल वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, वो सबसे लास्ट में जाके डेटा पेस्ट करेगा। राइट, और दूसरी
कि जो न्यू कोड है, न्यू कोड में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो लिखना है और नीचे आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा तो आप ऊपर लिख दें या फिर आप इसमें मैसेज बॉक्स में लिख दें, वो कहीं और लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप नहीं लिखेंगे, या लिखना होगा तो आप यहाँ सॉरी इसके बाहर लिख सकते हैं, इस एरिया के बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक के नीचे एक कीजिए नहीं तो डेटा डालेगा, तो अगर आपने कुछ लिख रखा है तो फिर उसको बीच में आ जाएगा, फिर दिक्कत ही होगी, राइट सर। तो प्रोजेक्ट हमारा डन हो गया। इस आज की इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि फोर ईच का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास एक एरिया हो, और काउंट इफ का यूज कब करेंगे, जब आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी अनदर डेटा में मैच करवाना हो। अगर काउंट इफ का फॉर्मूला ना लगाते तो मुझे वापस फिर से लूप लगा के एक एक सेल को चेक करना पड़ता है, कंडीशन लगा के दैट इज इक्वल टू दैट, ऐसे करना पड़ता, ठीक है। देखिए काउंट इफ इसमें कर गया, लेकिन इसमें एक और दिक्कत हो गई कि कोड आपका एक बार में एक ही बार आना रिपीट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोड आपका दो बार रिपीट है तो फिर वो हाँ दोनों बार ले लेगा, हाँ इसमें हाँ दोनों बार ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो मिलते हैं कल, राइट सर। सर हाँ जी सर, वो प्लीज एक्चुअली आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर पे हूँ ना तो टाइम मिलेगा, आप ठीक प्लीज है, वो आज वीडियो भेज के, ठीक है, देखता हूँ सर, ठीक है सर, ओके।